हेलो एवरीवन दिस इज विनीता बिश्नोई वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन एंड टुडे आई एम स्टार्टिंग विद चैप्टर 18 दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड इलेवेंथ सो लेट्स स्टार्ट अ हेल्दी पर्सन कंटेंस हीमोग्लोबिन इन एवरी हंड्रेड एम ऑफ ब्लड इज तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जिनका डेटा आपको लर्न करना होता है सो हंड्रेड एम ऑफ ब्लड में यू विल फाइंड ट्वेल्व टू सिक्सटीन ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन दैट्स द फाइनल आंसर a person with blood group a required blood the blood group which can be given is तो ब्लड ग्रुप ए वाले पर्सन को कौन कौन से ब्लड ग्रुप वाले ब्लड डोनेट कर सकते हैं सो इट इज़ फर्स्ट ऑप्शन इज ए ए एन बी तो इसमें बी नहीं कर सकता ए एन ओके ए तो कर ही सकता है और ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है ए एंड ए बी अगेन इट कैन नॉट ए बी ऑब्वियसली बी नहीं हो सकता एंड ए बी नहीं हो सकता सो आर आंसर इज बी तो ये ब्लड ग्रुप रिलेशन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं तो आप इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन की बहुत सारी प्रैक्टिस कर लें थर्ड इज द रेट ऑफ हार्ट एंड कंडक्शन इज रिप्रेजेंटेड इन द पाथवे तो इनमें से कौन सा पाथवे जो है वो हार्ट के कंडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है एवी नोड बंडल ऑफ हिज, नेटवर्क ऑफ पर्किंजे फाइबर नेटवर्क ऑफ पर्किंजे फाइबर एवी ऑब्वियसली ये तो गलत ही ऑप्शन है बिकॉज़ हमेशा जो है वो ऐसे नोड से स्टार्ट होता है एवी नोड ऐसे नोड अगेन दिस इज रॉन्ग ऐसे नोड इज द पेसमेकर नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट तो जो हार्ट बीट स्टार्ट हो रही है वो

मोलिस तो आप एक चीज याद देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो क्वेश्चन है ये फोर्थ चैप्टर से भी रिलेटेड है और ये सर्कुलेटरी सिस्टम से भी रिलेटेड है तो ऐसे क्वेश्चन मिक्स एंड मैच करके आ सकते हैं सो बी प्रिपेयर फॉर इट सो आर्थ्रोपोड्स एनलिट्स कॉडेट्स में हम आते हैं तो हमारा तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड ही है नेक्स्ट जो आता है दैट इज एनेलिट्स अर्थवम वाला उसमें जो है वो भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है सो इट इज आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क जिसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप का है मतलब कैविटी में ब्लड होता है सो फर्स्ट एंड फोर्थ इज द डी ऑप्शन फिफ्थ क्वेश्चन क्लोजर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स लाउडस्ट साउंड ऑफ द हार्ट बीट तो आपको पता है जो हार्ट है वो दो साउंड बनाता है

राइट right वेंट्रिकल है लेफ्ट एट्रियम है लेफ्ट वेंट्रिकल है सो दीज मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वेल्व प्रेजेंट तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड है और यहाँ पे मिट्रल है सो लब साउंड तब आता है जब ये दोनों क्लोज होते हैं एक साथ सो दिस इज दी ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर वेल्व प्लीज सी टू दिस क्योंकि ऑप्शन में मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड अलग अलग दिया है बट इन दोनों को कंबाइन करके हम ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वेल्व भी बोलते हैं सो आर ऑप्शन विल बी सी सिक्स क्वेश्चन रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन अब इसमें से हमें करेक्ट वन चूज करना है आरबीसी हैज एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज येस विच ऑल दीज आर डिस्ट्रॉयड इन लिवर नो स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होता है ग्रेवयार्ड ऑफ

तो ये मैक्सिमम नहीं है सो द बेस्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इज बेजोफिल्स हिस्टामिन सेटॉन एंड एंड इट इज इन रिएक्शन तो ये जो कंटेंट है ना ये आपके टेक्स्ट बुक के सेकेंड पेज पे ही दिया हुआ है सो रीड अबाउट ईच एंड एवरी डब्ल्यू बी सी वेरी केयरफुली सेवेंथ इज ब्लड प्रेशर इन द मेमेलियन अवोटा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग सिस्टॉल सिस्टॉल मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन सिस्टॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल पहले आपको पता होना चाहिए एओटा जो है ब्रॉडेस्ट आर्टरी होती है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है विच डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी सो इट इज ब्लड प्रेशर जो होता है ओटा में मैक्सिमम कब होगा जब सिस्टॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल डाइस्टॉल मतलब रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन ऑफ द राइट तो डायस्टल के केस में कैसे हो सकता है तो ये ऑप्शन ही हमें रिमूव कर देना है एंड जब वो वेंट्रिकल के नियरेस्ट है तो ऑब्वियसली सिस्टॉल इन द लेफ्ट वेंट्रिकल विल गिव ब्लड प्रेशर टू विच विल क्रिएट प्रेशर इन एटा ना कि लेफ्ट एट्रियम सो आंसर विल बी सिस्टॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल डॉक्टर्स यूज थेटोस्कोप टू हियर द साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग ईच कार्डिक साइकिल द सेकेंड साउंड इज हर्ड वेन तो दो साउंड होता है इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन में डिस्कस किया है लग एंड डब सो डब जो साउंड है वो कब बनता है वेंट्रिकुलर वॉल्स वाइब्रेट ड्यू टू पुशिंग इन ऑफ ब्लड फ्रॉम द एट्रिया नो सेमिलर वेल्स क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लोज इन टू द वेसल्स फ्रॉम वेंट्रिकल येस ए वी नोट रिसीव सिग्नल फ्रॉम नो एंड ए वी सो so, ये इनसे रिलेटेड नहीं है जो ये लब एंड डब साउंड होता है इट इज रिलेटेड टू द क्लोजिंग ऑफ दीज वेल्स सो लब आता है जब valves close है और वेल्स क्लोज होते हैं और डब आता है जब सेमी न्यूनर वेल्स क्लोज होते हैं जब ब्लड जो है वो रेस्पेक्टिव आर्टरीज एंड रेस्पेक्टिव आर्टरीज में एंटर होता है तो नाइन्थ क्वेश्चन अगेन रिलेटेड टू द ब्लड ग्रुपिंग अ सर्टेन रोड एक्सीडेंट पेशेंट विद अन ब्लड ग्रुप नीड इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन हिज वन डॉक्टर फ्रेंड एट वन ऑफिस हिज ब्लड व्हाट वॉज द ब्लड ग्रुप ऑफ द डोनर तो बिल्कुल बिना सोचे ब्लड ग्रुप जो ऑफर कर रहा है तो ऑब्वियसली वो यूनिवर्सल डोनर होगा सो यूनिवर्सल डोनर इज ब्लड ग्रुप ओ सो द आंसर इज ब्ल ग्रुप ओ एंड यूनिवर्सल रिसिपियट जो होते हैं दोज आर हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी ए बी जो है वो किसी से भी ब्लड ग्रुप ले सकते हैं ब्लड ले सकते हैं सॉरी लास्ट क्वेश्चन इज इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस ज कॉज वेन आरच नेगेटिव फीमेल एंड आर एच पॉजिटिव फीटस आरच मतलब रीसिस फैक्टर तो फीमेल के अंदर रिसस फैक्टर नहीं है और फीटस के अंदर है फीमेल इज आरच नेगेटिव एंड जो फीटस है वो मेल है और वो आर एच पॉजिटिव है फीमेल इज आरच पॉजिटिव तो ये केस तो हो ही नहीं सकता फीमेल नेगेटिव है एंड आर एच पॉजिटिव फीमेल चाइल्ड है तो मेल हो फीमेल हो से कोई फर्क नहीं पड़ता फीटस है और वो भी आर एच पॉजिटिव वो मैटर करता है विच इज डेवलपिंग इन द आर एच नेगेटिव फीमेल क्योंकि जो फर्स्ट डिलीवरी होती है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी देयर विल बी ट्रांसफ्यूजन ऑफ मदर्स And the baby's blood, which can generate antibodies against this Rh factor in the mother's blood, which is not good for the second child. So, this is the last question. So, this is all about today's video. In the next video, again, I will come with the MCQs of chapter uh, 8, that is cell, the unit of life of standard 11. So, see you in my next video. Keep learning, keep practicing. Have faith in yourself and take care. Goodbye.